रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरूख हबीब कहते हैं कि जेल भरो तहरीक तो हुकूमत ने खुद शुरू की है। जेलें भरने से महंगाई कम हो सकती है तो हम जाने के लिए तैयार हैं। बोल के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में गुफ्तगू में कहा, क्या शहबाज शरीफ को मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में पेश किया जाता था? उस वक्त मुल्क में सियासी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, किसी सूरत पीछे नहीं होंगे। जेल भरो तहरीक तो इन्होंने खुद शुरू की हुई है, आपके इलम में है, आपको है, आपको ये अच्छी तरह बखूबी मालूम है। दो बार तो आपको भी इन्होंने पाबंद सलासल जो है वो कर लिया है, और इससे कबल 9 माह से जब से ये रजीम चेंज साजिश शुरू हुई है, तो इनसे बचा कौन है पाकिस्तान के अंदर? आप ये बता दें, ना मीडिया महफूज है, ना इनके मुखालफिन इनसे महफूज है। जब इतनी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हों और फर्दर भी ये ख्वाहिश हो कि और लोगों को गिरफ्तार करना है, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बच जाता है? फिर हम कहते हैं कि नहीं, फिर पूरी कौम ही जेल भर देती है। आपका अगर ये शौक है, आपकी ये ख्वाहिश है, इस ख्वाहिश पूरी होने से अगर डॉलर सस्ता हो जाता है, घी सस्ता हो जाता है, आटा सस्ता हो जाता है, महंगाई नीचे आ जाती है, बेरोजगारी का खात्मा हो जाता है, बंद फैक्ट्रियां चल पड़ती हैं, तो भैया हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। कौन सा ऐसा इनका लीडर है क्या शहबाज शरीफ को मुंह पे कपड़ा डाल के पेश किया जाता रहा? यहाँ तो सियासी मुकदमात जो है वो बनाए जा रहे हैं, और जिस किस्म के मुकदमात बनाए जा रहे हैं वो आपके सामने, बंदा पहले गिरफ्तार करते हैं, FIR जो है वो बाद में काट देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, ये क्यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।